बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम, चारा लेने के लिए निकला हूँ अब्बा जी के साथ। ये चारा है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंजर है। ये फुटें लगी हुई हैं जिसकी अक्सर चाट भी बनाई जाती है। ये देखें, एक वो लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। ये अभी छोटी हैं, कच्ची हैं। और आगे गुवारा लगा हुआ है, ये गुवारे की फलियाँ लगी हुई हैं, देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये टोटल गुवारे की फसल है एक साइड पे। तो अभी नाश्ता किया मैंने तकरीबन 10 बजे। तो आज हमने एक काम करना है, अब्बा जी का हुक्म है। भैंसों के लिए एक वंडा सा खुद तैयार करते हैं हम घर में, दूध ज़्यादा करने के लिए। वो भैंसें फिर दूध ज़्यादा देती हैं, तो वो तैयार करने लगे हैं। वो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, आप दोस्तों को बताएँगे क्या क्या डाला जाता है और कैसे हम तैयार करते हैं उसको। ये दलिया नुमा है, 30 किलो गंदम और 20 किलो मक्की मिक्स करके पीसी हुई है। और 10 किलो इसमें पक जाएगी चावलों का छिलका। ये जो और ये दो चीजें हैं, इसमें चोकर है और कराह है। ये कराह है, चोकर नीचे है, 10-10 किलो है दोनों। करा और चोकर है मिक्स। ये चोकर है ऊपर वाली, नीचे करा था। चोकर और करा दोनों 10-10 किलो है। काला नमक है 2 किलो। ये डली खत्म कर देनी है हमने। ये डली इसकी पीस ली है, खत्म कर दिया डली जो इसमें थी काले नमक की। और काला नमक के बाद ये डीसीपी डाल रहा हूँ, 2 किलो डीसीपी है। ये आसानी से मिल जाती है। और ये मीठा सोडा है, ये भी आधा जाएगा तकरीबन, ये किलो है और आधा भी किलो डालेंगे ये, क्योंकि ये कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। स्लो कर लो है। Hey!
अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स करके गट्टुओं में डाल के रख लिया। ये दो गट्टू बने हमारे, तकरीबन डेढ़ दो में निकल जाएंगे आसानी से। तीन चार भैंसों के लिए काफ़ी है। एक ये गट्टू है और एक ये। सुबह तो पहले चारा लेके आया, फिर उसके बाद वो नाश्ता करने के बाद वो वंडा सा तैयार किया था मैंने, जो आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर भी किया। दूध बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो बनाने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया था और उसके बाद मैं सो गया था, आराम किया और ज़ोर के वक़्त ही उठाऊँ, नमाज़ पढ़ी है। तो अब असर की नमाज़ पढ़ के दोबारा बाहर निकले हैं कुछ बाहर की हवा लेने के लिए, और गर्मी काफ़ी है, हबस सा हो रहा है। आसपास बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से इधर हबस हो रहा है, क्यों जब इधर बारिश होगी तो फिर मौसम बहुत मज़े का होगा। तो जब तक बारिश नहीं होती उस वक़्त तक तो हबस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, आगे जा रहा है कहीं। ये वाला ट्यूबवेल तो बंद है, तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्यों हमारे भी तंगी की वजह से काफ़ी तंगी हुई है। आज पानी लगा है इधर, जो ज़मीन को मैंने पिछले दिनों बताया था, काफ़ी दिनों के बाद आज लगा है, क्यों काफ़ी दूर से पानी लेके आना पड़ता है, क्यों ट्यूबवेल काफ़ी दूर है जिसकी वजह से काफ़ी दिन लगे हैं। और उस वनडे के बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसा लगा है। अगर किसी को नहीं समझ आई है वो भी ज़रूर पूछ सकता है, सवाल कर सकता है, जहाँ से नहीं समझ आई है ज़रूर गाइड करेंगे उन्हें जहाँ से नहीं समझ आई है। ये ज़मीन है जिसको आज पानी लग चुका है, दो से तीन दिन लगेंगे फिर इसकी रोनी करेंगे और बीज गिराएंगे जो हमने चारा उगाना है इसमें, वह दो से तीन दिन और लगेंगे इसका। मगरिब को तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए हैं, तो हम अब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो घर वापस जा रहे हैं, क्यों सूरज भी ग़ुरूब हो चुका है। अभी आप दोस्तों को दिखाते हैं, क्यों काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए को। ये देखें सूरज ग़ुरूब हो चुका है, तकरीबन वो थोड़े से बादल हैं होने वाला, ये 10 मिनट हो लगेंगे, क्यों बादलों में छुप चुका है। तो मेरे खाने का टाइम है ये, क्यों मगरिब से थोड़ी देर पहले मैं खाना खा लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब इस टाइम खाना खा लिया जाए तो रात तक वो कुछ चलने फिरने से हजम सा हो जाता है, अगर क्यों रात को जब खा के सोते हैं तो वो फिर बोझ सा बन जाता है और मैदे पे असर करता है। तो आज खाना हमारा टिंडे भर के पकाए हुए हैं, अभी मैं आया था असर के वक्त, उस वक्त बन रहे थे, तो उम्मीद है अब तैयार हो गए होंगे, क्यों भर के पकाए हुए हैं टिंडे। तो अभी जाके खाना खाएँगे। ये रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं और ये साइड पे चारा लगा हुआ है, इधर भी है, ये तो वैसे खुश्क हो रहे हैं पट्टे पता नहीं किसके। ये देखो पानी लगने वाला लगा नहीं है, और ये माशाल्लाह बेहतर खड़े हैं। हबस बहुत ज़्यादा है इस तरफ, क्यों इधर भी लगता है पानी लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ज़मीन का हबस निकल रहा है। ये देखें ये मोड़ आ गया हमारा, हाँ ये देखो पानी लगा हुआ है जिसकी वजह से ज़मीन से हबसा निकल रहा है, और बहुत गर्मी महसूस हो रही है हमें, क्यों जहाँ हम पहले बैठे थे वहाँ सुकून था, लेकिन इधर जैसे ही दाखिल हुए हैं तो गर्मी काफ़ी हबस गर्मी सी लग रही है। ये देखें ये पानी लगा हुआ है ऐसे। इशा की अजान हो चुकी है तो नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।